हेलो दोस्तों, ये हमारे पास एक रॉड आया है बनने के लिए, जो पानी गर्म करने के काम में आता है। देख सकते हैं आप, ये 1500 वाट का है, जायको का है, जायको कंपनी का आता है। देख सकते हैं आप, ये रिपेयर के लिए हमारे शॉप पर आया है। इसको हम देखेंगे खोलते क्या क्या प्रॉब्लम है, ये आप खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको खोलते क्या प्रॉब्लम हुआ है, आप अपने घर पे खुद ब खुद चेक कर सकते हैं। ये रोड में ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, एकदम आसान तरीका से आप चेक कर सकते हैं अपने घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ज़्यादा कुछ रहता नहीं है, हमारे बहुत सारी वीडियो आने वाली है, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, हीटर, कूलर, पंखा का। अगर आपको कुछ सीखना है, कुछ यूनिक सीखना है, अगर जानकारी लेना है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए देख सकते हैं, देखिए यहाँ से ये तार यहाँ पे हम लगे हैं, यहाँ देख सकते हैं ये तार यहाँ टूटा हुआ है, कहीं ना कहीं से टूटा हुआ है। देखिए तो लग रहा है ये तार, जब देख सकते हैं आप, ब्लैक वाला यहाँ जुड़ा हुआ है, तो रेड वाला को यहाँ जुड़ना चाहिए, तो यहाँ से टूट चुका है। तो पहले हम वायर कोड को चेक कर लेंगे, क्योंकि वायर कोड भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। वायर कोड को हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ से नहीं बोल रहा था, यानी कि वो टूटा हुआ था, देख सकते हैं। पहले हम एक वायर को चेक कर लेंगे, ये पॉइंट हमारा सही है, और दूसरा वायर जो नीचे ब्लैक में लगा हुआ है, रेड तो चेक कर लिए, ये ब्लैक में दूसरा वायर अटैच है, तो हम दूसरा भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एम्पियर मीटर में ये भी तार सही बता रहा है, यानी कि वायर कोड हमारा बिल्कुल सही है, वायर कोड हमारा बिल्कुल सही है। तो चलिए हम इसको जोड़ते हैं, आप देख सकते हैं, ये आपको हम लाइव जोड़ के दिखाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें करना नहीं है, इसको यहाँ से हम खोलते हैं। खोलने के बाद देख सकते हैं यहाँ से ये टूट चुका है, यहाँ से ये लगा हुआ था, तो वो ये खींच, ये बाहर आ गया, खींच के बाहर आ चुका है, देख सकते हैं। तो हम इसको ये सिरेस कागज़ या किसी भी चीज़ से रोक लेती है, देख सकते हैं कि हम यहाँ पे ये रेती से घस के इसको हम बढ़िया तरीक़ा से फ्रेश कर रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं। रेती नहीं आपके घर में होगा तो आप सिरेस कागज़ से भी इसको घस सकते हैं, इसको पूरा क्लियर तरीक़ा से इसको फिनिश कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद ये देख सकते हैं, इसका एक ये पॉइंट है, ये पॉइंट का हम पूरा नट खोलेंगे अच्छा तरीक़ा से। नट खोलने के बाद ये पॉइंट भी हम घसेंगे, इसको अच्छा तरीक़ा से घस लेंगे, क्योंकि ये तार यहाँ पे सटेगा तो अच्छा से करंट सप्लाई देगा और शॉर्ट सर्किट भी नहीं होगा और तार जल्दी जलेगा हमारा नहीं। देख सकते हैं हम अच्छा तरीक़ा से घस लिए हैं, उसके बाद ये हमारा तार है, इसको हम अच्छा तरीक़ा से गोल कर लेंगे, राउंड गोलाकार बना करके हम इसमें लपेट देंगे। आप देख सकते हैं इसको हम लपेट देंगे, लपेटने के बाद ये हमारा एक पेच है, इसको पेच को हम जहाँ पे कसा हुआ था वहाँ पे इसको हम कस देंगे, और याद रहे इसको एकदम फुल टाइट करना है, अगर थोड़ा सा भी कम टाइट रहेगा तो यहाँ पे शॉर्ट होने का डर सबसे ज़्यादा बना रहता है, क्योंकि ये हीट होता है, हीट होने के बाद शॉर्ट करता है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसको हम अच्छा तरीक़ा से पहले कसते हैं, देख सकते हैं प्लास की मदद से इसको हम अच्छा तरीक़ा से कस रहे हैं, देख सकते हैं इसको हम अच्छा तरीक़ा से कस रहे हैं, इसको बढ़िया तरीक़ा से कस रहे हैं, देख सकते हैं इसको कसने के बाद इसको कुछ करना नहीं है। पहले ये तार हमारा एक तार नहीं बोल रहा था, और देख सकते हैं पहले हम इसको चेक करेंगे, यहाँ से बोल तो रहा है, देखो ये देख सकते हैं आप, यानी कि करंट जा भी रहा है और आ भी रहा है। और यहाँ से हम हीटर भी चेक कर लेंगे, हीटर भी हमारा बोल रहा है, देख सकते हैं आप, यहाँ से अच्छा तरीके से चेक कर लेंगे, हीटर भी हमारा सही है। चलिए इसको कस के हम लाइव गर्म करके हम आपको दिखाते हैं, ये जैसे कसा हुआ था उसी तरीके से हम इसको पॉइंट कर लेंगे, आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ पे ऐसे फंसा हुआ था, इसको हम बढ़िया तरीके से यहाँ पे फंस देंगे, उसके बाद और भी स्विच धीरे धीरे लगा देंगे, देख
इसको बनाने के लिए आपको कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, आप अपने घर पे भी इसको रिपेयर कर सकते हैं। एकदम आसान तरीका है, इसमें कुछ रहता नहीं है, देख सकते हैं यहाँ पे ये फिटिंग हो गई है, एकदम अच्छा तरीका से फिटिंग हो गया। चलिए इसका इसको हम साफ कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर इसको डाल देंगे। इसको डालने से पहले हमको ये लगाना है, ये लगा लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे, देख सकते हैं ये हमारा जो ये कंपनी का लोगो था, हम ये लोगो अच्छा तरीका से यहाँ लगा देंगे। ये भी हम यहाँ पे लगा देंगे, इसका सपोर्ट मिलता है बाल्टी या मग में इसको डालने में, देख सकते हैं आप। इसको अच्छा तरीके से बैठा करके हम इसको करेंगे, अच्छा तरीके से इसको पेच करेंगे। एक पेज हमने कस दिया है, और चलिए दूसरा पेज कसते हैं। दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को लाइक भी कर दें, हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, इससे हमारा सपोर्ट मिलेगा आपका। देख सकते हैं ये हमारा अच्छा तरीका से कसा दिया है, देख सकते हैं। इसको चेक करते हैं, गर्म करके ये हम आपको दिखाएंगे, देख सकते हैं ये हमारा बोल रहा है, इसको हम गर्म करके दिखाएंगे आपको। हमारा बोल इधर है, देखिए हमने यहाँ पे ये लगा दिया है, और इसको एक सेकेंड के लिए ऑन करेंगे, उसके बाद इसको हम बंद करेंगे, बंद कर देंगे, उसके बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद देख सकते हैं आप, इसको हम निकाल देंगे, और यहाँ पर देख सकते हैं आप ये हीट हो चुका है, ये बहुत ही काफ़ी, ये एक ही सेकेंड में हीट हो चुका है, ये बहुत ही अच्छा हो चुका है। तो दोस्तों आपने देखा ये कितने अच्छे तरीके से ये बन चुका है, ये बहुत ही हीट हो चुका है। आप भी अपने घर पे इसको आराम से चेक कर सकते हैं और बना सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।